दिलाने के नाम पर तीन आरोपियों ने एक व्यापारी को 10,42,000 रुपए का चूना लगा दिया। अजनी पुलिस ने आर्य अपार्टमेंट ओमकार नगर निवासी श्रीपाद नारायण सेनवाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। अभी मकर संक्रांति के त्योहार को लगभग एक माह बाकी है। नगर में लॉकडाउन खुलने के बाद पतंग बाजार सजने लगा है। नगर में जूनी शुक्रवारी, इतवारी, गोकुलपेट आदि क्षेत्र में पतंग व मांझा की दुकानें स्टाइलिश पतंगों के साथ लगने लगी है। पतंग निकालने छत पर गए एक व्यक्ति की नीचे गिरकर मौत हो गई। मृतक न्यू फुटाला निवासी मारुति बापो निवारे बताए गए। गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण के कामों की समीक्षा की, जिसमें महानगर आयुक्त शीतल उगले ने प्राधिकरण के माध्यम से लगभग 1500 करोड़ के विकास कार्य जारी होने की जानकारी उजागर की। हर वर्ष की तरह इस बार भी राष्ट्रीय मस्तिष्क सप्ताह के अवसर पर नागरिकों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण शुक्रवार से 24 दिसंबर तक कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। महाराज बाग के भीतर से गुजर रही सड़क पर निर्मित किए जा रहे पुल का काम लंबे समय से अटके होने के कारण भले ही जनता परेशान रही हो, लेकिन अब तक किसी भी पदाधिकारी या अधिकारी की ओर से संज्ञान नहीं लिया गया। नंदनवन थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर में सेन लगाकर नगद और जेवरात सहित 1,71,000 रुपए का माल पर हादसा किया। पुलिस ने संताजी नगर वाठोड़ा लेआउट निवासी पल्लवी विनोद चोकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पाचपावली थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। दो आरोपियों ने चाकू और बियर की बोतल से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक गणेशपेड़ निवासी महेश उर्फ गुड्डू दुर्गा प्रसाद तिवारी बताए गए। शहर के विकास की दृष्टि से मेट्रो प्रकल्प निश्चित ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि मेट्रो रेल का विकास भी काफी तेजी से किया गया, किंतु मॉरिस कॉलेज टी पॉइंट से लेकर यूनिवर्सिटी तक के डीपी रोड में अब मेट्रो स्टेशन की बाधा उत्पन्न हो रही है। विकास की दृष्टि से मेट्रो व मनपा दोनों अलग अलग इकाइयां होने के बावजूद एक दूसरे के समन्वय से चलना चाहिए, किंतु जिस तरह से इस डीपी रोड में अड़ंगा लाया गया, उससे क्या मनपा अब मेट्रो की मर्जी से चलेगी। पत्नी के साथ अवैध संबंधों को लेकर ऋषि खोसला की हत्या के मामले में सदर पुलिस की ओर से मिकी बख्शी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के साथ ही 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा पुलिस की ओर से महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 1999 की धारा 3 के तहत भी मामला दर्ज किया गया।